ये जो जजमेंट थी, ये जो हमारे यहाँ डिवीजन बेंच है, जस्टिस त्रिलोक चौहान और जस्टिस सत्यन वैद्या, उन्होंने ये सुना था और उन्होंने ही आज ये जजमेंट सुबह अनाउंस की। और राज्य सरकार ने क्या दलील दी, क्योंकि राज्य सरकार लगातार ये कह रही थी कि लगभग 4,000 करोड़ का इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। जी हाँ, ये बात ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके इस कानून के ऊपर काफी डिपेंडेंट थी कि अगर ये कानून वैलिड डिक्लेयर होता तो उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू जनरेट होता। पर एट द सेम टाइम जो प्रोजेक्ट्स जिस समय में जिन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए थे उस समय में ऐसा कोई कानून नहीं था, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी वायबिलिटी के ऊपर भी एक सवाल था कि क्या इस सेस को लगाने के बाद वो प्रोजेक्ट्स वायबल रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। पर इनमें जो मेन जो लीगल पॉइंट इन्वॉल्व था वो यही था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इस कानून को बनाने का अधिकार नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं दिया। कितने पावर प्रोजेक्ट इससे प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि एक बड़ा फैसला जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि क्षेत्राधिकार में ही नहीं था राज्य सरकार के। जी, तो इसमें आप ये मान लीजिए कि हिमाचल में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी इससे अफेक्टेड थे। किसी को कम सेस लगना था, किसी को ज्यादा लगना था, पर ये सभी के सभी प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड थे इस कानून। इसमें कौन कौन नामी वकील उनका जिक्र करता है, कौन कौन पेश? इसमें काफी जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े वकील हैं, जैसे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी अपीयर हुए, फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता अपीयर हुए, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिस्टर दवे, दुष्यंत दवे, वो अपीयर हुए थे, और उसके अलावा हमारे जो यहाँ का हिमाचल प्रदेश बार के लोग थे जिनमें से मैं भी था, तो हम सब ने उस केस को अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर आर्ग्यू।